हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो, एंड फॉर टुडेज वीडियो वी हैव 15 प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज। यस, आई नो दैट सुनते ही आपको लगा होगा दैट ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बट दीज आर द 15 प्रोडक्ट्स जो मैं बताना चाहती हूँ दैट आर अमेजिंग अंडर अ बजट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर अ बजट। 500 रुपए के अंदर काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ फाउंडेशन, कंसीलर, टिंट, प्राइमर, ब्लश, ब्रॉन्जर, आईब्रो, सब कुछ, लिपस्टिक वगैरह सब चीजों का मिक्स है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम माय कलेक्शन दैट आई थिंक आर ग्रेट, एंड एक्चुअली 5 नहीं 10 नहीं मुझे 15 प्रोडक्ट्स ही समझ में आए, एंड आई जस्ट डिडंट वांटेड टू रिमूव एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि यू नेवर नो आपको किस, मुझे कैसे पता कि आपको किस चीज की जरूरत है। लाइक इफ यू आर आइंग ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट लाइक द फाउंडेशन, कंसीलर, एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हो। द लिंक ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स विल बी डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए ना अफोर्डेबल मार्केट में, एंड अफोर्डेबल ब्रांड्स आर डूइंग ग्रेट विद देयर प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे अच्छे मार्केट में प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं, बट दीज आर सम प्रोडक्ट्स अंडर अ बजट 500 रुपए के अंदर जो मुझे लगते हैं काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। नाउ आई विल बी डूइंग अ पार्ट 2 ऑफ दिस सून, वेयर आई विल बी डूइंग लाइक टॉप 13 प्रोडक्ट्स अंडर 300 रुपीज, क्योंकि जो 300 रुपए के अंदर वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैंने अभी यहाँ पर जरा निगलेक्ट कर दिए हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल 500 रुपए के आसपास हैं, लाइक 300 से 500 के बीच में जो प्राइस रेंज आता है ना वो मैंने रखने की कोशिश की, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक अ सेपरेट पार्ट, क्योंकि 300 रुपए के अंदर तो बिल्कुल ही कमाल के लाइक प्रोडक्ट्स, जैसे कफ्स एंड लैशेज हो गया, इनसाइट हो गया, एंड मार्स हो गया, इनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे डेफिनेटली मेंशन करने हैं जो मैं अंडर 299 या 300 वाली वीडियो में करूंगी, बट फॉर नाउ वी हैव टॉप 15 प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज। सो यस, आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली डाइव इन। और लाइक द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस मार्स की आई शेडो पैलेट्स। नाउ ये 299 की आती है तो मैं इसको उस वीडियो में मेंशन कर सकती थी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेंशन इन दिस वीडियो एज वेल, इन वो वाली वीडियो में भी मैं इनको मेंशन करूंगी, जस्ट बिकॉज अगर आप कोई भी वीडियो मिस कर दो, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस दीज पैलेट्स। आई मीन हाउ अमेजिंग दीज पैलेट्स आर। एक तो मेरे पास ये है मार्स की 15 कलर्स आई शेडो पैलेट, एंड दिस इज इन द 01 वाला शेड। ये बहुत ही मल्टी टास्किंग वाली पैलेट है। आई हैव अ मेकअप लुक, विंटर मेकअप लुक, जिसमें मैंने इसको यूज करके ब्लश, ब्रॉन्जर, हाईलाइटर, आईब्रोज एंड अपना आई शेडो भी किया था। सो बेसिकली इट्स अ मल्टी टास्किंग पैलेट जस्ट बिकॉज इट हैज न्यूट्रल शेड, इट हैज शिमर, शैम्पेन, ब्राउन, हर टाइप का ब्लैक शेड भी है इसमें, हर टाइप के शेड हैं, एंड इफ यू टॉक अबाउट द पिगमेंटेशन you will get to shock, this is how the pigmentation look like. 299 का आता है, this has more variants, but I think ये वाला variant काफी basic और classic सा है, so if you want to have a basic eyeshadow palette, you want to try and test, तो आप ये जरूर check कर सकते हो। Another eyeshadow palette from the same brand Mars is this one, काफी similar सी है, but ये 229 की आती है, and this is how it looks like, इसमें glitter का shade भी दिया हुआ है, pigmentation again top notch. तो अगर आप eyeshadow ढूंढ रहे हो under a budget, तो सिर्फ Mars के eyeshadows try करना, this will blow your mind. नेक्स्ट अप आई हैव दिस लैकमे की 9 to 5 लिक्विड लिपस्टिक, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ दिस इज इन द शेड इंटेंस लाटे। फर्स्ट ऑफ ऑल द शेड इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड ब्राउन लिपस्टिक विद द बैलेंस ऑफ पिंक, इट्स सच अ नाइस शेड, दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक। नाउ दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, 500 रुपीज के अंदर आती है, दीज आर लॉन्ग लास्टिंग, दीज डज नॉट ट्रांसफर, दीज आर प्रॉपर लिक्विड लिपस्टिक्स, एंड बहुत लंबे टाइम तक आपकी लिप्स पे टिकी रहती है, एंड इट डज नॉट फील हैवी और डज नॉट ड्राई आउट योर लिप्स at all, because ज्यादा जो cheap liquid lipsticks होती है ना, there are chances that they might dry out your lips, क्योंकि liquid lipstick dry out कर ही देती है कहीं ना कहीं, but this does not dry out your lips at all. But एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक layer लगाना, अगर आप बहुत ज्यादा layer up करोगे liquid lipsticks को तो वो definitely आपको chappy बना देंगी आपके lips को, it does not feel good, it feels heavy and very very uncomfortable on the lips, so just apply one layer and you are good to go, but the shade particularly I mean I love it. Next up I have the Faces Canada का setting spray. I mean oh my god, मैं कितना ज्यादा बात कर चुकी हूँ, almost खत्म होने वाला है मेरा। Now this is also available in 50 ml of size. वैसे ये मुझे free मिला था, मैंने try किया and this blew my mind. Makeup को set अच्छे से कर देता है, it just melts down everything, पूरी powderiness वगैरह खत्म कर देता है, it is really nice. And हर किसी को बड़े size की जरूरत नहीं होती है, एंड अब ये छोटे साइज में भी अवेलेबल है, 200 रुपीज समथिंग का आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा Amazon पे। तो yes, definitely check this setting spray out because it's just 50 ml. अगर आप कभी कभी मेकअप करते हो एंड यू फील लाइक कि हम बड़े सेटिंग स्प्रे में क्यों इन्वेस्ट करें, वी जस्ट वॉन्ट लाइक कभी कभी के लिए, तो उसके लिए काफी अच्छा सेटिंग स्प्रे है। बहुत अच्छे अच्छे सेटिंग स्प्रे ट्राई किए हैं, बट इन दिस बजट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, मूविंग हेड टू
प्राइमर आई हैव दिस मेबेलिन का फिट मी प्राइमर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ ये जो ड्यूई एंड स्मूथ वाला वेरिएंट है, सो बेसिकली दिस इज फॉर ड्राई स्किन। इसमें एक ऑयली वाला मैट वाला वेरिएंट भी आता है, विच इज ग्रेट फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो वाला ले सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला ले सकते हो। बट दिस इज मोर ऑफ लाइक अ क्रीम बेस्ड काइंड ऑफ प्राइमर जो आपके फेस को अच्छे से प्राइम भी कर देता है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो मॉइस्चराइजेज योर फेस। तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इट जस्ट मेक्स योर फेस वेरी स्मूथ मॉइस्चराइज, एंड इट ऑल्सो ब्लर्स डाउन योर पोर्स टू मेक इट वेरी स्मूथ एंड यू नो फ्लॉलेस फॉर फर्दर एप्लीकेशन ऑफ मेकअप। तो ये एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है, एंड अंडर अ बजट इट इज सच अ नाइस प्राइमर, ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ हाई एंड प्राइमर। 499 इसका प्राइस है और बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। यू पैकेजिंग में आता है, काफी कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज, एंड बहुत ही अच्छा प्राइमर है, हाईली रिकमेंडेड। अनदर प्रोडक्ट जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, एंड ये तो बिल्कुल नेसेसरी है क्योंकि अब फेस्टिव और वेडिंग सीजन आ रहा है, इज दिस स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप देख सकते हो मैं इसको ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ, मेरा खत्म होने वाला है, आई विल हैव टू रिपर्चेज दिस। नाउ दिस प्रोवाइड्स दैट ग्लो टू योर स्किन। आप इसको प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हो, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है ये, एंड आप इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। तो ये आपकी स्किन पे बहुत सुंदर ग्लोई ड्यूई सा लुक देता है, एंड योर स्किन योर मेकअप जस्ट लुक्स लाइक योर स्किन, बहुत ही ज्यादा विद इन ग्लो प्रोवाइड करता है क्योंकि फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस हैज नो चंकी पार्टिकल्स एट ऑल, इट प्रोवाइड्स दैट ग्लो टू योर स्किन। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स हैं। अलोंग विद दैट ये आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करता है, इट इज लिटिल बिट हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग टू योर स्किन, एंड स्पेसिफिकली इफ यू हैव ड्राई स्किन यू विल लव दिस स्टफ, बिकॉज हमें पता है कि ग्लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस हाइड्रेटिंग भी है, तो और ही अच्छी बात है। तो यस, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। मूविंग अहेड, आई हैव दिस फेस शॉप की टिंट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, दिस इज फॉर 499। आई लव दिस शेड बिकॉज दिस इज इन द शेड रोज पिंक। ये शेड मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये रोजी भी है और रेडिश भी है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ रोज एंड रेड जो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्लश ऑफ कलर देता है आपके फेस पे। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है क्योंकि इसका फॉर्मूला वाटरी है, तो ये आपके फेस पे बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है, इट डजंट गो ऑफ दैट इजली। जितना क्रीम प्रोडक्ट और पाउडर प्रोडक्ट्स चले जाते हैं ना, ये उतना जल्दी नहीं जाता है। अगर आप सुबह लगाते हो तो शाम तक काफी अच्छे से टिका रहेगा, बस इसको ब्लेंड करना बहुत जल्दी, मतलब आराम से लगा के देर देर में ब्लेंड करोगे, यू जस्ट हैव टू इंस्टेंटली ब्लेंड इट, दैट्स द टेक्निक टू यूज इट। बट एक बार अगर आप टेक्निक सीख जाते हो उसको यूज करने की, दिस इज गॉट बी योर फेवरेट गो टू, वन एंड ओनली गो टू प्रोडक्ट। ऑलराइट, मूविंग हेड टू फाउंडेशन, आई हैव दिस लैक्मे का 925 फाउंडेशन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ अंडर अ बजट में हमेशा आपको ये फाउंडेशन रिकमेंड करती हूँ, जस्ट बिकॉज दिस सेज दैट दिस हैज प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, एंड ऑल्सो प्राइमर की तरह तो काम करता ही है, जस्ट बिकॉज आई फील के बिना प्राइमर के बिना बहुत ही सुंदर फ्लॉलेस लुक देता है, आपके पोज में सेटल नहीं होता है। बट फॉर पीपल विथ ऑल द स्किन टाइप्स इज सच अ ग्रेट फाउंडेशन, कवरेज बहुत अच्छी है, इट गिव्स यू मीडियम कवरेज, मीडियम टू बिल्डेबल है, आप बिल्डअप भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फिनिश देता है। आई जस्ट फील लाइक किसी भी स्किन पे ये इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा सुंदर तरीके से बैठ जाता है ना, ब्लेंड करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्किन लाइक फिनिश देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आपको ये बहुत अच्छी फिनिश देगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है जैसे कि मेरी है तो भी आपको ये बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिश देगा। I just feel like that this is the most beautiful foundation under 500 rupees, like for all the Indian skin types. आपकी skin अगर change भी होती रहती है ना according to season, तो भी आप इस foundation को definitely purchase कर सकते हो, and Lakme पे बहुत ही अच्छे अच्छे discounts मिल जाते हैं। और क्योंकि मुझे Lakme का 95 foundation बहुत पसंद था, तो मुझे Lakme का 95 concealer भी try करना था। So with that we come to our next product. तो ये हमारा next product है Lakme का 95 concealer. This is how it looks like. Now recently Lakme ने अपना ये 95 concealer launch किया था, I think one and a half month हुआ होगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, आई थिंक फाउंडेशन की तरह इसकी फिनिश भी बहुत ज्यादा नेचुरल है, सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है, मतलब इसको ब्लेंड करना बहुत ज्यादा इजी है। इसके पहले मुझे मेबेलिन फिट मी का कंसीलर बहुत पसंद था, बट आई थिंक जब से ये लॉन्च हुआ है मुझे ये ज्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनिश, क्रीज नहीं होता है, अच्छी खासी कवरेज देता है, ब्लेंड बहुत इजिली हो जाता है, एंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। वॉट एल्स डू यू नीड फ्रॉम इट? बहुत सारे शेड आते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका शेड भी मिल जाएगा, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा काम करता है मेरे लिए। अगर आपको कोई लाइट वेट अच्छा नेचुरल एवरीडे फाउंडेशन चाहिए ना, तो एक बार ये मिस क्लियर का फाउंडेशन जरूर ट्राई करना। दिस इज द मिस क्लियर का एवरीडे फाउंडेशन, बहुत ही अच्छी नेचुरल कवरेज देता है, माय शेड इज नेचुरल, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस स्किन लाइक फिनिश, इट डज नॉट लुक लाइक दैट यू हैव समथिंग गोइंग ऑन। सो इफ यूर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, और आपको थोड़ा सा बेस के लिए कुछ चाहिए होता है, यू वॉन्ट अ लिटिल कवरेज, थोड़ी सी बीबीसीसी क्रीम से ज्यादा कवरेज देता है, यू कैन मिक्स दिस विथ योर मॉइस्चराइजर टू जस्ट गेट अ ब्यूटिफुल
नेचुरल इवन लुक एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. इट हैज सो 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 मेनी शेड्स, तो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो. सबसे अच्छी बात तो ये है दैट दिस कम्स इन ट्यूब लाइक पैकेजिंग, ग्लास बॉटल नहीं है, तो आप इजिली कैरी कर सकते हो. वेरी इजी टू ट्रैवल है, डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस न्यूली लॉन्च आईलाइनर फ्रॉम मामाअर्थ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. जब से मैंने इसको यूज किया है, आई हैवंट फॉल इन लव विद दिस आईलाइनर, बिकॉज मैंने इतना ज्यादा प्रिसाइज आईलाइनर आज तक नहीं देखा है. मतलब अगर आप इसकी टिप देखोगे ना, इतनी ज्यादा प्रिसाइज है इसकी टिप, जस्ट लुक एट दैट. एंड ये एप्लीकेशन को इतना ज्यादा इजी और इतना ज्यादा स्मूथ बना देता है ना, मतलब आप फाइन से फाइन आईलाइनर इससे ड्रॉ कर सकते हो. आई एम अ वेरी बैड पर्सन एट आईलाइनर, आई वाज नॉट आईलाइनर पर्सन, बट दीज डेज आई एम बीइंग आईलाइनर पर्सन. मुझे आईलाइनर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं हर लुक में आईलाइनर लगा रही हूँ आजकल. और मैंने इसको यूज किया ना, जब आई वॉज शॉक्ड, मतलब इतना ज्यादा कंट्रोल रहता है ना, इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है पूरा कंट्रोल आपके हाथों में ही है. एंड जितना, मतलब बिल्कुल भी इधर से उधर भी नहीं होता है, इतना ज्यादा ईजी कर देता है ना ये एप्लीकेशन को. एंड जैसे ही आप अप्लाई करते हो, इट इंस्टेंटली ड्राइज डाउन. आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है. आई हेट वेटिंग कि आंखें बंद करके वेट करते रहो एंड खोलोगे तो वो ऊपर लग जाएगा. जैसे ही अप्लाई करते हो, इट इंस्टेंटली ड्राइज डाउन इनटू अ मैट फिनिश, जस्ट बिकॉज आई लव मैट आईलाइनर्स. आई डोंट लाइक शाइनी ग्लॉसी आईलाइनर्स. व्हेन इट कम्स टू ब्लैक, आई लव मैट ब्लैक आईलाइनर्स. इट टर्न्स इनटू अ मैट फिनिश एंड दिस इज हाउ इट गोज. बिल्कुल भी टच करो, स्मज करो, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है. एंड देयर यू गो, आई थिंक मामाअर्थ हैज नेल्ड इट विद दिस आईलाइनर एंड इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. मस्ट ट्राई आउट. अगर मैं कहूँ मेकअप में अंडर अ बजट कुछ ढूंढना मुश्किल है ना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्जर. तो आई हैव दिस मुआ अकेडमी ब्रॉन्जर, दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ. ये 350 रुपीज का आता है. दिस इज हाउ द ब्रॉन्जर लुक लाइक. पैकेजिंग भी अच्छी है, बड़ी बेसिक सी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही अच्छा शेड है, इट इज नॉट दैट वार्म और दैट कूल. अच्छे से ब्रॉन्ज भी करता है एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है आपके फेस को. फॉर द प्राइस दिस इज अमेजिंग. ये सिर्फ आपको आई थिंक नायका पे मिलेगा. मुआ अकेडमी इज अ ब्रांड आई थिंक जो अभी काफी ज्यादा फेमस नहीं है. काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं इसके, लेकिन ब्रॉन्जर, मैट ब्रॉन्जर अच्छा 500 के अंडर में मिलना है इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क. शुगर का कॉन्टोर डी फोर्स मिनी ब्रॉन्जर और ब्लश भी अच्छा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लेकिन दिस ब्रॉन्जर इज रियली आर रियली रियली नाइस ब्रॉन्जर दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट. एक बार इसको जरूर चेक करना इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल ब्रॉन्जर जो कि बहुत ज्यादा कलर पे ऑफ ना दे, ब्लेंड बहुत इजिली हो जाए एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस नेचुरल फिनिश काइंड ऑफ थिंग. तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो. नेक्स्ट अप माय फेवरेट, आई हैव ब्लश. आई हैव द वेट एंड वाइल्ड का ब्लश. दिस इज इन द शेड मेलो वाइन. आई एब्सोल्यूटली लव दिस शेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन ऑल द इंडियन स्किन टोन्स. इफ यू आर फेयर, व्हाइटिश, मीडियम, डस्की, हर स्किन टोन पे ये शेड बहुत खूबसूरत लगता है. इट इज दैट ब्यूटिफुल शेड जो मतलब हर मेकअप लुक के साथ अच्छा लगता है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हर मेकअप, आई नो देखने में बहुत लाइट लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि चीजें देखने में जैसी लगती है वैसा फेस पे लगाने पे एग्जैक्टली नहीं लगता है. इंडियन वेस्टर्न एनीथिंग, इट गोज विथ एनीथिंग. मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर, इट्स हाईली पिगमेंटेड. आप देख सकते हो वन स्वाइप पिगमेंटेशन, इट इज ब्यूटिफुली पिगमेंटेड. बहुत ही लाइटली डस्ट ऑफ करके यूज करना, ब्लेंड बहुत ईजिली होता है एंड बहुत ही अच्छा फ्लश ऑफ कलर देता है. तो ये शेड पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छा है. 399 का आता है. समथिंग वेरी वेरी सिमिलर शेड वाइज ऑल्सो इस शुगर का ये मिनी ब्रश आता है, जो मिनी ब्रश एंड मिनी ब्रॉन्जर दोनों ही. नाउ इन दोनों का शेड काफी ज्यादा सिमिलर है एंड फेस पे लगाने के बाद बहुत ज्यादा सेम लगते हैं. आई नो अभी आपको इतने सेम नहीं लग रहे होंगे, बट लिटरली फेस पे लगाने के बाद ही बहुत सिमिलर लगते हैं दोनों. ये जो शुगर में कॉन्टोर डी फोर्स में मिनी ब्रॉन्जर आता है ना, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो रियली नाइस ब्रॉन्जर अंडर अ बजट. नेक्स्ट अप माई अल्टीमेट फेवरेट, आई हैव दिस मस्कारा जिसके बारे में बहुत बात करती हूँ ऑन माई चैनल. दिस इज द फेस शॉप का मस्कारा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ ये 400 रुपीज का आता है. डिस्काउंट में आपको 360 रुपीज का मिल जाएगा एंड इट गिव्स यू फॉल्सीज लाइक इफेक्ट. मतलब इसका जो इफेक्ट है ना, इतना ज्यादा वॉल्यूम और लेंथ प्रोवाइड करता है. मतलब इन दिस बजट मैंने मेबलिन के मस्कारा ट्राई किए हैं, एसेंस का किया है, लॉरियल लैश पैराडाइज किया है, बट ये जो इफेक्ट देता है ना, यू विल बी शॉक्ड. यू लिटरली बी शॉक्ड के इतना सस्ता मस्कारा इतना ज्यादा अच्छा काम कैसे कर सकता है. जब भी मुझे लगता है ना कि मुझे फॉल्सीज लाइक बिल्कुल ऐसा फुल ब्लोन इफेक्ट चाहिए, बहुत ही मतलब मेरा बेस्ट मस्कारा कौन सा पिक करूं, आई जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू दिस वन एंड दिस पुट्स मी टू शॉक एवरी टाइम आई यूज. नेक्स्ट अप आई हैव मामाअर्थ की लिप सीरम्स. दिस इज हाउ दे लुक लाइक. सो मेरे पास इसमें दो शेड्स हैं एंड आई एक्चुअली हैव थ्री शेड्स, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट द फॉर्मूला हेयर. एक तो ये कैरेमल न्यूड 01 एंड पिंक डैंडोफिल.
05. अभी मैंने पिंक डैंडोफिल 05 को बहुत लाइटली लगा रखा है. एक चीज जस्ट मैं बताना चाहूंगी दैट दीज लिपस्टिक्स ऑक्सीडाइजेस अगर आप उस जिस टाइम पे लगा रहे हो. ये कलर एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता है, ये अपने कलर से 2-3 शेड डार्क हो जाता है. ये चीज मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं है, बट अदरवाइज शेड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं. एंड द परफेक्ट वे टू अप्लाई दिस इज थोड़ा सा आप अप्लाई करो एंड देन स्प्रेड इट विथ योर फिंगर्स. अगर आप बहुत थिक लेयर लगाते हो तो ये बहुत हैवी फील होते हैं. दे जस्ट make you feel very chappy and heavy on your lips. तो वो चीज I don't think आपको करनी चाहिए. बहुत ज्यादा layer up मत करो, बस थोड़ा सा लगाओ इन fingers से blend कर दो. बहुत ही ज्यादा अच्छा look देते हैं, shades बहुत अच्छे हैं. Point A and point B, अगर आप सही तरीके से lightly लगाते हो, मतलब एक बहुत thin layer लगाते हो, तो ये बहुत लंबे समय तक last करते हैं, आपके lips को बिल्कुल भी dry out नहीं करते हैं and बहुत ही अच्छे लगते हैं. And they just do not settle in your like fine lip lines. That's what I mean. मुझे लिपस्टिक्स पसंद नहीं है जो लिप लाइन्स में सेटल हो जाए. एक्चुअली अगर मैं इसको बहुत कम कम अप्लाई करूँ और फिंगर से ब्लेंड करूँ ना, तो ये मुझे लिक्विड लिपस्टिक जैसी नहीं लगती है, फिर मुझे बुलेट लिपस्टिक जैसी लगती है. पर्टिकुलरली एक तो शेड की वजह से, दूसरा थोड़ी ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्ट करते हैं अगर आप ढंग से यूज करते हो तो. एंड दे आर क्वाइट अफोर्डेबल, सो यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज आउट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें जो वैक्स आता है ना, उसकी वजह से ये किट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज आई यूज अ हैक. क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं वैक्स में ब्लश लाइक स्पूली टिप करती हूँ एंड देन इन बोथ द पाउडर्स एंड देन आई रन इट थ्रू माई ब्राउज. दैट्स द लाइक टेक्निक दैट आई यूज टू फिल माई ब्राउज, जिससे बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक आता है. उस वजह से मेरा वैक्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. मैं एक अलग से वैक्स परचेज कर लूंगी एंड पाउडर्स कोई भी यूज कर लूंगी, बट अदरवाइज इट कम्स विद टू पाउडर्स एंड अ वैक्स विच इज सफिशियंट. एक्चुअली इसमें एक प्लकर भी आता है छोटा सा और एक स्पूली और ब्रश भी आता है. ये तीन चीजें और आती हैं जो मुझसे मिसप्लेस हो गई हैं, बट मैं जस्ट अगर इसके बारे में बात करूं, इट्स सच अ नाइस प्रोडक्ट. जस्ट बिकॉज पाउडर्स से फिल करूँ ना, तो आपकी आईब्रोज बहुत ज्यादा नेचुरल लुक देती हैं एज कम्पेयर टू क्रीम प्रोडक्ट्स और समथिंग. बहुत ही अच्छा नेचुरल इजी टू यूज है इससे आईब्रोज को फिल करना. तो यस यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट एंड काफी ज्यादा अच्छे और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा आपको अमेजोन पे. ऑलराइटी माय पीपल, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, डू लेट मी नो डाउन बिलो. अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है तो आपको वो कैसा लगा मुझे जरूर बताना. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.